वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आ गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में गैर मुनाफा प्राप्त गिव इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को COVID-19 संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए 50,000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट प्रदान किए। समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, फ्लिपकार्ट के चीफ कारपोरेट अफेयर्स अधिकारी रजनीश कुमार व कंपनी के UP गवर्नमेंट रिलेशन हेड हसन याकूब उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस भागीदारी पर फ्लिपकार्ट के रजनीश कुमार ने कहा, फ्लिपकार्ट यूपी की जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम राज्य को COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहे हैं। गिव इंडिया के सहयोग से राज्य सरकार को 50,000 PPE किट दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल राज्य के स्वास्थ्य कर्मी कोरोना महामारी में मरीजों की सेवा के दौरान खुद को संक्रमण से बचाने के लिए कर सकेंगे। इससे पहले भी फ्लिपकार्ट उत्तर प्रदेश सरकार को COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए 50,000 से अधिक PPE प्रोटेक्टिव गियर और N95 मास्क दान कर चुका है। देश भर में COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए फ्लिपकार्ट अब तक 1 मिलियन से अधिक मेडिकल गाउन तथा 6 लाख से ऊपर N95 मास्क दे चुका है। फ्लिपकार्ट देश की एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है। MSME और खादी के साथ काफी ये लोग जुड़े हैं। हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं, हमारे जो खादी के कारीगर हैं, उनका सामान ऑनलाइन बेच रहे हैं। और इन्होंने पिछले साल उत्तर प्रदेश के जो हमारे आर्टिसंस थे, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिक्री उनके सामान की थी। तो आज सर ये COVID-19 की लड़ाई में प्रदेश सरकार की सहायता के लिए इन्होंने ऑफर किया है। आज फ्लिपकार्ट जो है ये 50,000 PPE किट हमारे स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा रहा है। आपसे सर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं रजनीश जी हैं, ये पूरे फ्लिपकार्ट के कॉरपोरेट अफेयर्स के ग्रुप के चीफ ऑफिसर हैं और इनके दो अधिकारी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। सर मैं अनुरोध करूंगा रजनीश जी से दो शब्द अपना इस कार्यक्रम के बारे में बता दें। धन्यवाद नवनीत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, अमित मोहन जी, नवनीत सहगल जी, इस अवसर पर मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने में सक्षम हुए हैं। सिर्फ कोविड महामारी से लड़ने में ही नहीं, बल्कि देश के छोटे उद्यमियों को, प्रदेश के छोटे उद्यमियों को और जो प्रदेश के जो इनिशिएटिव्स हैं, ODOP हुआ, खादी ग्रामोद्योग का विकास हुआ, उसको हम कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए देश के बाकी कंज्यूमर के साथ जोड़े, हम उसमें प्रयासरत हैं। उसके अलावा सर, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ग्रॉसरी का भी एक बहुत बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर प्रदेश में खोला है। उससे छोटे जो फार्मर्स हैं और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और जो कंज्यूमर्स हैं, उनको काफ़ी लाभ होगा। नए नए जॉब भी देश में, नए नए जॉब का सृजन भी होगा। सर एक लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विकास में, भागीदारी में पूरी तरह वचनबद्ध हैं और आप हमें हमेशा देखेंगे कि जो ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, नए नए जॉब क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक वैल्यूएबल पार्टनर बनेंगे। और इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हमें प्रदेश के जो अधिकारी हैं, जो पूरा संगठन है, उसका बहुत समर्थन मिलता है, चाहे वो नवनीत सहगल जी हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे बाकी ऑफिशियल्स हों, उनका बहुत समर्थन मिलता है, जिससे कि हमें ये अवसर मिलता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान प्रदेश के विकास में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। सर इस मौके पर दोबारा से ये कहना चाहूँगा कि जब भी जरूरत, जैसे भी नए इनिशिएटिव्स होंगे, उसमें हम लोग, आप लोग फ्लिपकार्ट को हमेशा आगे पाएंगे पार्टनरशिप करने में और विकास में अपना योगदान देने में। धन्यवाद सर। धन्यवाद रजनीश जी। सर COVID-19 की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश शासन को ऑनलाइन ट्रेड कंपनी के रूप में
सहयोग करने के लिए मैं फ्लिपकार्ट के जो पदाधिकारी हैं रजनीश जी, धीरज जी, अमृता जी और उनके स्थानीय प्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ में यहां पर हैं प्रदेश के मुख्य सचिव सी आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सीमित मोहन प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रदेश सरकार के सभी हमारे अधिकारीगण। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका के साथ सामने आया है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी है क्योंकि देश का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है और इतनी बड़ी आबादी को कोविड-19 के संक्रमण से बचाना और कोविड-19 से न केवल उसको सुरक्षित करना अपितु कोविड-19 के कारण समाज के अलग अलग तबके में जो भी इसके कारण प्रभावित हुआ है उन्हें फिर से व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा करके उनके लिए उसके अनुरूप माहौल पैदा करने का प्रयास करना। फ्लिपकार्ट के साथ हमारा पिछली बार एक एमओयू भी हुआ था जिसमें एमएसएमई सेक्टर में फ्लिपकार्ट हमें हमारे साथ मिलकर के यहाँ के एमएसएमई सेक्टर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है और आज मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को आगे बढ़ाने में आपका जो योगदान रहा है वह एक सराहनीय पहल है ही, लेकिन साथ साथ जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य विभाग के सेवाओं को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए आज 50,000 पीपीई किट उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को फ्लिपकार्ट के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं इसके लिए रजनीश जी आपको और आपकी पूरी टीम को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि फ्लिपकार्ट न केवल हमारे साथ मिलकर के प्रदेश शासन की उन सभी योजनाओं को और उन सभी उत्पादों को एक नई पहचान दिलाने में अपना योगदान देगा। जिनके पास हुनर तो है लेकिन कहीं ना कहीं उनका उत्पाद उच्च स्थान पर न पहुंचने के कारण एक पहचान उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती थी। जब फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं उनके साथ मिलेंगी तो स्वाभाविक रूप से उन्हें एक पहचान भी मिलेगी और उन्हें स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वहीं साथ ही साथ केवल अपने व्यावसायिक हितों को ही नहीं देखना बल्कि अपने सामाजिक प्रतिबद्धताओं को भी आगे बढ़ाने में हम उतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आज आपने पीपीई किट उपलब्ध करवाया है, ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के कई राज्यों में कोविड-19 की थर्ड वेव देखने को मिल रही है और हम लोग इस बात को मानते हैं कि जब तक दवा या वैक्सीन किसी व्यक्ति के पास पहुंच नहीं पाती तब तक सावधानी और सतर्कता ही कोविड जैसे संक्रमण से बचाने में मददगार हो सकती है और इसमें पीपीई किट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं फ्लिपकार्ट को इस सहयोग के लिए एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं।
और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वह प्रदेश के अंदर न केवल एमएसएमई सेक्टर को तो प्रदेश के उन सभी उद्यमियों को एक नई पहचान दिलाने में अपना योगदान देगा जिसके लिए आपकी संस्था अपनी एक नई पहचान बनाती है। मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को इनकी टिकट उपलब्ध कराने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।